नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं एस्ट्रोलॉजर माधव शर्मा खुशीवन राशिफल के यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 2 सितंबर 2022 वार शुक्रवार के पंचांग को लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज विशेष की अगर हम बात करें तो आज सूर्य षष्ठी व्रत है और आज बलराम जयंती भी है। भगवान सूर्य की पूजा, भगवान सूर्य को अर्घ देना और साथ ही साथ भगवान सूर्य के मंत्रों का जाप आज आपको विशेष शुभ और लाभ प्रदान करने वाला है। आइए पंचांग शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे कुछ जीवन राशिफल की एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करें, देखते रहें डेली पंचांग, डेली राशिफल, मंथली राशि। शुरुआत करते हैं अपने पंचांग की। वार शुक्रवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, माह भाद्रपद माह, पक्ष शुक्ल पक्ष। तिथि की बात करें षष्ठी तिथि जो कि दोपहर 1:50 तक रहेगी, उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र विशाखा नक्षत्र जो कि रात 11:47 तक रहेगा, उसके बाद अनुराधा नक्षत्र शुरू होगा। योग की बात करें ऐन्द्र योग जो कि शाम 7:16 तक रहेगा, उसके बाद वैद्यति योग प्रारंभ होगा। करण की बात करें तैतिल करण दोपहर 1:50 तक रहेगा, उसके बाद गर करण की शुरुआत होगी। वार तिथि नक्षत्र योग और करण इन पांचों से मिलकर पंचांग का निर्माण होता है। किसी भी शुभ मुहूर्त में किसी भी शुभ कार्य के अंदर पंचांग का देखा जाना अत्यंत ही आवश्यक है। बात करते हैं सूर्य और चंद्र से संबंधित गणनाओं की। सूर्योदय प्रातः 6:03, सूर्यास्त शाम 6:38, सूर्यदेव सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि के जो स्वामी हैं ये स्वयं सूर्यदेव माने गए, यानी उनकी स्वराशि है। चंद्रोदय की बात करें सुबह 11:29, चंद्रास्त रात 10:23। चंद्र राशि की हम बात करें तो शाम 5:56 तक चंद्रदेव तुला राशि में रहेंगे, उसके बाद वे वृश्चिक राशि में प्रस्थान करेंगे। तुला के जो स्वामी हैं शुक्रदेव माने गए हैं, वृश्चिक के जो स्वामी हैं मंगल माने गए हैं और चंद्रदेव वृश्चिक राशि में नीच राशि के माने गए। आइए बात करते हैं शुभ समय को लेकर। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:27 से सुबह 5:15 तक अपने ईष्ट देव की आराधना, उनका मंत्र जप, मंत्र सिद्धि, स्वयं सिद्धि ब्रह्म मुहूर्त में की जा सकती है। अभिजीत की बात करें यानी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत अगर आप करने जा रहे हैं और आपको शुभ लग्नानुसार शुभ चौगड़िए नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने उस कार्य को अभिजीत में भी शुरू कर सकते हैं। 11:55 से सुबह 12:45 तक दोपहर में अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है। बात करते हैं दिन के चौगड़ियों को लेकर। शुरुआत करते हैं सूर्योदय से। चर का चौगड़िया सुबह 6:03 से सुबह 7:37 सामान्य समय है। चर के बाद लाभ 7:37 से 9:12 शुभ समय है। आपके बाद अमृत 9:12 से 10:46 तक शुभ चौगड़िया है। अमृत के बाद काल 10:46 से 12:20 अशुभ चौगड़िया है। काल के बाद शुभ 12:20 से 1:55 शुभ का चौगड़िया शुभ समय है। शुभ के बाद रोग 1:55 से 3:29 अशुभ चौगड़िया है। रोग के बाद उद्वेग 3:29 से शाम 5:03 उद्वेग का चौगड़िया भी अशुभ चौगड़िया है। उद्वेग के बाद हम बात करें चर शाम 5:03 से लेकर शाम 6:38 तक चर का चौगड़िया रहेगा जो कि सामान्य समय है। इन सभी चौगड़ियों में अगर हम बात करें तो शुभ का चौगड़िया, लाभ का और अमृत का तीनों के तीनों किसी भी शुभ कार्य के लिए अच्छे माने गए। रोग का, काल का, उद्वेग का अशुभ चौगड़िया माना गया है। आइए बात करते हैं दिशाशूल को लेकर, यानी आज के दिन किस दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो आज के दिन का दिशाशूल है पश्चिम दिशा। फिर भी अगर जातक पश्चिम दिशा में यात्रा कर रहा है तो यात्रा करने से पहले दिशाशूल का परिहार करें ताकि यात्रा के अशुभ फल प्राप्त ना हो। यानी आज के दिन यात्रा से पहले जौ से बने पदार्थों का सेवन अवश्य करें। बात करते हैं राहु काल और गुलिक काल दोनों अशुभ समय की। ज्योतिष शास्त्र में राहु काल को और गुलिक काल को अशुभ समय माना गया है और किसी भी शुभ कार्य के अंदर वर्जित माने गए हैं। बात करें राहु काल को लेकर, सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 तक राहु काल रहेगा। गुलिक काल सुबह 7:30 से सुबह 9:00 तक गुलिक काल रहने वाला है। दोनों ही समय में कोई महत्वपूर्ण यात्रा, महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत ना करें। बात करते हैं चंद्रबल को लेकर, यानी कौन कौन सी राशियां शुभ रहने वाली हैं। तो आज 3:56 तक पर चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ तक अगर हम बात करें शुभ राशियों की तो वे हैं मेष, वृष, सिंह, तुला, धनु और मकर। उसके बाद जो राशियां शुभ हैं वे हैं वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि और कुंभ राशि। आइए बात करते हैं आज जो भी जातक जन्म लेंगे उनकी जन्म राशि, नाम अक्षर और जन्म पाये को लेकर। तो आज जो भी जातक जन्म लेंगे अगर हम उनकी राशि को बात करें तो शाम को 5:56 तक तो उनकी राशि रहेगी तुला राशि। राशि स्वामी रहेंगे यहाँ पर शुक्रदेव। उसके बाद उत्पन्न हुए जातकों की राशि रहेगी वृश्चिक राशि। राशि स्वामी रहने वाले हैं मंगलदेव। नामाक्षर की बात करें तो नामाक्षर रहेंगे ती, तू, ते, तो और न। जन्म पाये की बात करें तो इनका सभी का ताम्र का जन्म पाया रहने वाला है।
धन्यवाद।